नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर जो जुर्माने की भारी भरकम राशि है, चर्चाओं का बाजार गर्म है और हमारे साथ झारखंड के परिवहन मंत्री सीपी सिंह जी हैं। एक लगातार जो लोगों में आक्रोश था सर, उस पे थोड़ा सा विराम आप लोगों की तरफ से हुआ, क्या आपने रियायत दी है? नहीं, अभी तो रियायत हमने दिया है कि 3 महीने तक यदि किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो ड्राइविंग लाइसेंस बना ले, किसी के पास इंश्योरेंस नहीं है तो इंश्योरेंस करा ले, रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करा ले, किसी के पास पॉल्यूशन का लाइसेंस नहीं है वो पॉल्यूशन करा ले, या अन्य जो भी चीज़ें हैं वो 3 महीने में दुरुस्त करा ले। अब सवाल है कि हेलमेट में कोई छूट नहीं है, क्योंकि हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना, दारू पी के नहीं चलाना, ये तो आवश्यक है ना, इस पर कैसे छूट दिया जा सकता है? अब उसके बाद भी लोग नहीं करेंगे तो सरकार क्या करेगी? क्या सरकार छूट दे देगी आपको जो इच्छा है वो करे? ये काम तो नहीं हो सकता है। इसीलिए सरकार ने लोगों की भावनाओं को देखते हुए, उनकी समस्याओं को देख ये कदम उठाया है कि 3 महीना पर्याप्त समय है कि आप उसको। उसके अलावा हमारी सरकार परिवहन विभाग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता फैलाने का, प्रचार प्रसार के माध्यम से, तो इस प्रकार उस 3 महीने तक ये काम करेगी ताकि लोग सारी चीजों से भिज्ञ भी हो जाए और अपने कागज पत्र भी दुरुस्त करा लें। बहुत सारे आपके द्वारा शुरू की गई योजनाएं जो हैं, वो शायद अगली सरकार का गठन होगा, अगली सरकार के गठन को लेकर बस ये अंतिम प्रश्न, क्या संभावनाएं देख रहे हैं और क्या दावे हैं? ये दावे तो जग जाहिर है, दावे कोई छिपा करके तो नहीं हो रहे कि अब की बार 65 पार। ये दावे सिर्फ दावे नहीं है, ये हकीकत में बदलने वाली है इस चुनाव में, इसलिए अगली सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, परिवहन विभाग का जिम्मा है, नगर विकास के मंत्री हैं सीपी सिंह और बहुत अनुभवी हैं, लेकिन इसके साथ ही जो विकास को गति देने की बात है उसमें आम जन सहयोग की भावना भी होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। लेकिन आगे 3 महीने के बाद चुनाव है, देखना दिलचस्प होगा कि मंत्री महोदय के दावों पर जनता कितनी मुहर लगाती है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, R9 TV रांची।